हेलो बच्चों, क्या हालचाल? मस्त एकदम। तो हेलो एलकेन्स एंड हेलो एरिन का लेक्चर नंबर 5 और हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एलकेन या एल्काइल हैलाइड। और प्रॉपर्टीज के अंदर अभी हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने बताया था ना एल्काइल हैलाइड के बहुत से रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से होते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन 04 में हमने आपको बताया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, किस किस प्रकार का होता है, SN1 SN2। अरे सर दिमाग खराब हो गया उसमें तो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो YouTube पे टाइप करें हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन 04 फिजिक्स वाला, या टाइप कर दें SN1 एंड SN2 फिजिक्स वाला। बहुत लंबा वीडियो है, इन डिटेल SN1 SN2 समझाया है। अब आज क्या करेंगे कि एल्काइल हैलाइड्स के वो रिएक्शन देखेंगे, वो स्पेसिफिक रिएक्शन देखेंगे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। आज मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा नहीं, आज वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे एल्काइल हैलाइड के जिनके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। बहुत ही आसान लेक्चर होगा आज का। बता देंगे SN1 हो रहा है कि SN2, बस इतना बताएंगे, बाकी मैकेनिज्म बताते जाएंगे, सॉरी बाकी रिएक्शन बताते जाएंगे। शुरू करें तो यस, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकालें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें और चूहे को मार के या जिंदा खाना बंद करें। और जो बच्चे चाहें वो हमारी वेबसाइट, बस सर बस वेबसाइट का प्रमोशन और नहीं, थोड़ा सा www.physicswalaalakhpandey.com पे जाके इस लेक्चर के PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट भी आप ही लोग की वजह से है और चैनल भी आप ही की वजह से है। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, है ना, कई रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसके अंदर ये होगा ऑफ एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, यहां पर एल्काइल हैलाइड होगा RX, साथ में कोई एक न्यूक्लियोफाइल होगा NU। अब क्या होगा, यहां से X माइनस बाहर निकल जाएगा और NU अंदर आ जाएगा, यानी न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो गया, है ना। अब SN1 में क्या होता है कि पहले X माइनस बाहर निकलता है, कार्बोकेटायन बनता है, तब न्यूक्लियोफाइल अटैक मारता है ना। जब हमारे पास कोई वीक न्यूक्लियोफाइल हो जो इंतजार करता है X माइनस के बाहर निकलने का। SN2 में क्या होता है कि वो X माइनस के निकलने का वेट ही नहीं करता, इतना स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होता है, कहता है चलो अटैक मार देते हैं इस पे। यहां से आता है, पीछे से अटैक मार देता है और X माइनस साथ साथ में निकलता रहता है। तो SN2 में कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल इंतजार ही नहीं करता इसके निकलने का, चलो पीछे से अटैक मारो, है ना। और जो वीक होता है बैठा रहता है ना, कि पहले घर का मालिक चला जाए तब चोरी की जाए, तो SN1 में होता है। SN1 में निकलने का इंतजार, SN2 में निकलने का इंतजार नहीं। SN1 वीक न्यूक्लियोफाइल, SN2 स्ट्रांग वाला वेट नहीं करेगा। बाकी इससे डिटेल में क्या बताएं, वीडियो बनाई रखा है। शुरू करें, चलिए सबसे पहला रिएक्शन इस कैटेगोरी का सबसे पहला रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। OH ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करेंगे और OH से सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो OH लग जाएगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल, यानी फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो कभी कन्वर्जन आए कि अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाओ तो ऐसे बनाएंगे। क्या करेंगे हम, अल्काइल हैलाइड लेंगे RX और यहाँ कोई रिएजेंट लगाएंगे, ऐसा रिएजेंट जो OH सप्लाई कर सके। तो रिएजेंट जरा ध्यान से देखो भाई, इसी का खेल है, एक्वस NaOH ले लो, एक्वस नहीं लिखा तो नंबर गया, एक्वस KOH ले लो, है ना, और मैं ऑप्शन दे रहे हैं, और मॉइस्ट AgOH ले लो और मॉइस्ट Ag2O ले लो, इसमें से कोई भी रिएजेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस्तेमाल करने से यहाँ से X माइनस बाहर निकलेगा और OH माइनस अंदर आएगा। हो सकता हो OH पहले अंदर आए उसके बाद X माइनस निकले, हो सकता हो OH बाद में अंदर आए पहले X माइनस निकले। तो ये चीज़ अभी हम क्लियर कर देते हैं क्या होगा। ये सभी बेसिस आप देखो स्ट्रांग बेसिस क्या करेंगे, तुरंत OH माइनस सप्लाई करेंगे, खचक 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 खचक, मतलब इतना ज्यादा OH माइनस हो जाएगा कि वो इंतजार नहीं करेगा X माइनस के निकलने का।
यानी स्ट्रॉन्ग बेसिस एक तरह से कैसे वर्क कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो एक्स माइनस के निकलने का इंतजार नहीं, पीछे से सीधा अटैक मार देगा, यानी रिएक्शन होगा SN2 मैकेनिज्म से। बस इतना ही बताएंगे, देयर विल बी नो कार्बोकेटायन, कोई कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, एंड अटैक विल बी फ्रॉम रियर साइड अटैक। रियर समझते हैं ना, बैक साइड से अटैक होगा, जिधर X लगा उधर से नहीं, उसके पीछे से। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी जब कोई कायरल कार्बन आए, ये सब हम बता चुके हैं स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह, इस पर आज बात नहीं, आज तो रिएक्शंस लिखवाने हैं, ठीक है, नोट कर लें। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये रहा, C2H5Br एल्काइल हैलाइड ले लिया, रिएक्शन कर दिया NaOH, नीचे एक्वस जरूर लिखना वरना नंबर चला जाएगा, OH अंदर आ जाएगा C2H5OH, और बाहर क्या निकलेगा NaBr। देखो एल्काइल हैलाइड हमने 1 डिग्री लिया, यार यार SN2 किस में होता है, SN2 1 डिग्री में तो होता है, SN1 होता है किस में, 3 डिग्री में, SN2 1 डिग्री में, 2 डिग्री में दोनों हो सकते हैं, इसलिए हमने 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड लिया। जैसे मान लो ये लिख दें C2H5I अल्काइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, आइडो इथेन, जो राम समझ में आए, प्लस KOH एक्वास, एक्वास मतलब पानी भी है, क्या बनेगा C2H5OH और क्या निकलेगा KI। देखो क्या बन गया अल्कोहल, ये क्या लिया था आपने ब्रोमो इथेन, अब आयु पीएससी मुझे लगता है आपको आता होगा तो उस पर टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, और ये क्या बन गया इथेनॉल, ये क्या लिया आइडो इथेन, क्या बन गया इथेनॉल। जैसे मान लो मैंने लिया CH3Cl, रिएक्शन करा दिया AgOH मॉइस्ट या Ag2O मॉइस्ट, क्या होगा Cl बाहर निकलेगा OH अंदर आएगा CH3OH मिथेनॉल और क्या बन जाएगा AgCl। क्या ये रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा, 1 डिग्री है। जब जब SN2 कोई बता दे मैकेनिज्म तो देख लेना कि अल्काइल हैलाइड जो है 1 डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री ये करेगा ही नहीं, 3 डिग्री मास्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकता है, 3 डिग्री SN1 और 2 डिग्री दोनों कर सकता है, 2 डिग्री चल सकता है। बोलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। तो ये सारे रिएजेंट लगा के आप एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बना सकते हो, मैकेनिज्म होगा SN2, इसको छाप लें एकदम लाइट की स्पीड में छापें, इसमें कोई इतनी बहुत ही डिफिकल्ट बात नहीं है, रिएजेंट लगाना है, उठल पुठल करके रिएक्शन करना है, क्लियर है। आप आए हो इस बगिया में फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, मुझे पता है वीडियो क्वालिटी में थोड़ा इधर उधर हुआ है क्योंकि मैं अपना एक स्पेयर कैमरा आज यूज़ कर रहा हूँ, मेन कैमरा क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो, थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम्स, मिटा रहे हैं इसको, ओके। अच्छा यही रिएक्शन एक तरह से और हो सकता है, देयर इज वन मोर वे टू डू दिस एंड दैट इज RX, और सीधा सीधा यहां पे पानी लगा दो, अब पानी खुद ही न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और खुद ही यहां पे सॉल्वेंट बन जाएगा और आपको दे देगा ROH। डिफरेंस इतना होगा कि H2O जो होता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, कैसा न्यूक्लियोफाइल होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो बैठा रहेगा कि पहले X- बाहर निकले, है ना, कमजोर चोर टाइप का एकदम, है दम नहीं है इसके अंदर, एक्स माइनस बाहर निकलेगा तब अटैक मारेगा, एक्स माइनस बाहर निकलेगा तो यानी कार्बोकेटायन बनेगा, यानी स्टेबल कार्बोकेटायन चाहिए, मतलब ये वाली कहानी किससे जा रही है, SN1 से, SN1 यही तो है वीक न्यूक्लियोफाइल इंतजार करेगा, और SN1 से जा रही है तो ये कैसा कार्बोकेटायन प्रेफर करेगा, कैसा अल्काइल हैलाइड प्रेफर करेगा, 3 डिग्री, अरे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा तभी 3 डिग्री कार्बोकेटायन, SN2 1 डिग्री में, SN1 3 डिग्री में, उल्टा समझ लो SN1 से 3 डिग्री, SN2 से 1 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री, तो यहाँ 3 डिग्री हो तो ये कर देना, अटैक बोथ साइड से होता है इसमें, अटैक फ्रॉम बोथ साइड, अब ये सब मैकेनिज्म बता चुके हैं, कार्बोकेटायन प्लेनर स्पीशी अटैक, ऊपर से भी नीचे से भी रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। जैसे यहाँ पे हम ले लें एग्जांपल CH3 और यहाँ लगा दिया Br, एरो के ऊपर लिख दिया H2O, Br बाहर निकल जाएगा, OH अंदर आ जाएगा CH3 और OH, यहाँ एलिमिनेशन होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है और एलिमिनेशन होगा भी, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई कर दो एलिमिनेशन, ऐसे भी होगा टेम्परेचर हाई पे तो मेजर प्रोडक्ट एलिमिनेशन, यहाँ से Br निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, अभी उसकी बात नहीं करनी, अभी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो क्या समझना है कि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स लगे हैं तो आप कैसा अल्काइल हैलाइड लेना, 1 डिग्री, वीक न्यूक्लियोफाइल लगा है तो कैसा अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री, नोट कर लें, वीक न्यूक्लियोफाइल गिव्स SN1 रिएक्शन, इट वेट्स फॉर द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन,
थ्री डिग्री कर्व के टैन इज स्टेबल, इसीलिए बोला थ्री डिग्री। टू डिग्री ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, ठीक है। अब इतना मैकेनिज्म में घुसेंगे नहीं, बार बार एक बार में बता दिए बात, क्लियर है। तो वाटर का अगर मान लो तुमसे बोल दे कि इस कंपाउंड से अल्कोहल बनाओ कन्वर्जन में, तो इस कंपाउंड के ऊपर ये मत लगा देना एक्वेशन एच। इस कंपाउंड से बोले अल्कोहल बनाओ तो H2O लगाओ, और वन डिग्री से बोले अल्कोहल लगाओ तब ये मत बनाना, वन डिग्री के लिए ये यूज़ करना। ये वाला कमी आता है, दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज ऐसी ही बातें करेंगे, आज बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म में नहीं, जो दिखता है पेपर में ये बहुत दिखता है, NaOH, KOH, AgOH। मिटा रहे ओके। तो ये तो हुआ सब्स्टिट्यूशन बाई OH ग्रुप, क्या बना हमारे पास अल्कोहल बना। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन बाई, देखते जाओ आज यही करना है, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन बाई OR ग्रुप। ये OR क्या है सर? अरे OR से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ, चलो करके देखते हैं। मान लो अपने पास RX है और किसी तरह से आपने OR माइनस ग्रुप सप्लाई कर दिया, किसी तरह से somehow you did that, यहां से X माइनस बाहर निकलेगा और बनेगा आर ओ आर, यही हुआ। एक्स माइनस बाहर निकला, ओ आर ग्रुप अंदर आ गया, क्या बना आर ओ आर। आर ओ आर क्या होता है? ईथर, यानी फॉर्मेशन ऑफ ईथर की बात होगी। सब्स्टिट्यूशन बाय ओ आर ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ठीक है। अब ये ओ आर माइनस लाएंगे कहां से? तो दिखा रहे हैं कहां से लाएंगे, मिटा रहे हैं इसको, नोट करना हो नोट कर लो। ओ आर माइनस आएगा, एक्स माइनस बाहर जाएगा, इसको एल्कोक्साइड कहते हैं, एल्कोक्साइड। जैसे ओ एच को क्या बोलते हो? हाइड्रोक्सिल, सब पता है ना, ट्वेल्थ क्लास में आप आए हो ना। ओ एच को हाइड्रोक्सिल, ओ आर को एल्कोक्साइड आए। देखो कैसे आएगा, ध्यान से, हम यहाँ पे लेंगे आर एक्स एल्काइल हैलाइड, इसको आर वन एक्स कर लेते, चलो आर भी अलग अलग कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लेंगे आर टू ओ एन ए, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। यहाँ पे इस पे आ जाएगा प्लस, इस पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा, इस पे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे प्लस, इस पे माइनस। अब एन ए के साथ एक्स निकल जाएगा, एन ए एक्स, ये तो बाय प्रोडक्ट है। आर वन के साथ जुड़ेगा ओ आर टू और NaX, तो बताने को बता दिया, ऐसे बॉन्ड टूटा, ऐसे हुआ, ऐसा है नहीं। एक रिएक्शन लिख देते हैं फिर बताते हैं और मैकेनिज्म वगैरह, पहले एक रिएक्शन लिख लेते हैं। मान लो CH3Cl दिया हमको और यहाँ दे दिया मान लो C2H5ONa, इसको हम बोलेंगे सोडियम, ये क्या है, इथेन है ना, तो इथॉक्साइड, एल्कोक्साइड लिखते हैं, सोडियम इथॉक्साइड। रिएक्शन कराया, कई बार एरो के ऊपर ड्राई ईथर लिख देता है, कई बार नहीं लिखता है, कई बार लिख देता है, कई बार नहीं लिखता है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहले सुन लो आराम से, क्या बनेगा CH3OC2H5+, Na के साथ Cl निकल जाएगा, NaCl, इसका नाम हो जाएगा बोलो इथाइल मिथाइल ईथर, कॉमन नेम, इथाइल भी है मिथाइल भी है ईथर भी है। IUPAC नेम में क्या लिखते हैं? एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी छोटे वाले को, छोटा वाला ये है, तो आप लिखोगे मिथॉक्सी इथेन, एल्कोक्सी एल्केन। ईथर का जो IUPAC नेम है वो है एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी छोटे वाले को, एल्केन बड़े, तो इसमें से छोटा वाला ये है तो मिथॉक्सी, बड़ा वाला ये तो इथेन। बड़ा ही फेमस रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं विलियमसन्स सिंथेसिस, किसका सन? विलियमसन्स सिंथेसिस। हमारे यहाँ क्या होता है? किशोरी लाल एंड सन्स, है ना, पान भंडार, ज्वेलरी शॉप, यहाँ रिएक्शन आ रहे हैं विलियमसन्स सिंथेसिस। तो विलियमसन्स सिंथेसिस इज अ वेरी वेरी फेमस रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर की तैयारी करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये एक सैम्पल रिएक्शन है। बोलो समझ में आया? आई मैकेनिज्म थोड़ा सा बता देंगे क्या हुआ है। हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एक्स माइनस बाहर निकला है, ओ आर ओ माइनस अंदर आया है, एल्कोक्साइड आया है, ठीक है।
अब बच्चों कैसे पता चलेगा क्या हुआ है, ध्यान से देखो, ये जो आपने लिया है यहीं से न्यूक्लियोफाइल आने वाला है, पता चल जाए ये स्ट्रांग है कि वीक है। ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, मैं यहाँ पे आयनिक बॉन्ड आपको दिख रहा है ओ आर एन ए के बीच में, भाई मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड, तो ये बहुत ज़्यादा पुश करेगा ओ माइनस को, यानी बहुत ईजिली ओ माइनस यहाँ से बाहर निकल के अटैक कर सकता है। सो बिकॉज वी हैव स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज वी हैव स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल आर ओ माइनस, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल इंतजार नहीं करेगा एक्स माइनस के निकलने का, कार्बोकेटाइन अटैन नहीं बनेगा, कौन सा रिएक्शन है SN2, जहां पे भी स्ट्रांग हो SN2, SN2 बनेगा तो अटैक कहां से होगा, रियर साइड से, अटैक फ्रॉम रियर साइड, इन्वर्जन होता है ना कॉन्फ़िगरेशन का, जो होता है उसका उल्टा बन जाता है। और बच्चों SN2 मैंने बताया किसमें दिखता है, 1 डिग्री में, किसमें दिखता है 1, तो एक चीज ध्यान देना कि यहां एल्काइल हैलाइड कैसा हो, 1 डिग्री, देखो 1 डिग्री लिया, ये वाला कैसा भी हो सकता है, ये वाला कैसा भी हो सकता है, पर जो एल्काइल हैलाइड है दैट शुड बी 1 डिग्री। इस पे बढ़िया सवाल भी बन जाता है, पहले तो विलियमसन सिंथेसिस कॉपी करो, RX प्लस RONA इन द प्रेजेंस ऑफ डाइथर मे बी रिटन मे नॉट बी रिटन, आपको मिलेगा ROR प्लस NAX, ठीक है, कई किताब में नहीं लिख रहा है डाइथर, वैसे लिखना चाहिए। क्या होगा, यहाँ से x माइनस बाहर जाएगा, ये अंदर आएगा, हाँ जो मैकेनिज्म वो ये सजेस्ट करता है कि पहले ये पीछे से अटैक करके अंदर आ जाएगा तब ये बाहर निकलेगा, है ना, यानी SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, यानी ये 1 डिग्री होना चाहिए। देखो ये 3 डिग्री होता तो ये मस्त कार्बोकेटाइन बन जाता, 3 डिग्री होता सीएल से कहता जाओ बाहर, हम तो स्टेबल है, कार्बोकेटाइन 3 डिग्री वेरी वेरी स्टेबल, इट इज़ नॉट स्टेबल, तो ये कार्बोकेटाइन नहीं बना, 3 डिग्री होता तो बना लेता, क्लियर, तो 1 डिग्री बना, ठीक है, नोट कर लें इतनी बातें। मैं कह रहा हूँ आप पहले देखो SN1 एंड SN2 फिजिक्स वाला, तभी मज़ा आएगा इसमें, बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर पर बता दे रहे हैं, ये कैसा होना चाहिए 1 डिग्री, 1 डिग्री है, कार्बोकेटाइन नहीं बना सकता, कहेगा पहले आओ जुड़ जाओ हमसे फिर इसको हम निकालेंगे, इनसिक्योर, आगे बढ़े इनसिक्योर। दूसरी वाली सॉरी दूसरा वाला जब तक बंदा अरे सॉरी दूसरा वाला जब तक न्यूक्लियोफाइल नहीं मिलेगा पहले वाले बंदे को, पहले वाले न्यूक्लियोफाइल को ये नहीं छोड़ेगा, गलती स्लिप ऑफ टंग, क्लियर है, समझने वाले समझ गए, जो नहीं समझे वो पोगो देखें, आगे बढ़ें। अब देखो इसमें और कुछ चीज़ें बतानी है आपको, मिटा रहे हैं इसको, अच्छा सो दिस इज विलियमसन्स सिंथेसिस, विलियमसन्स सिंथेसिस, एल्काइल हैलाइड शुड बी 1 डिग्री, लिख लेना विलियमसन्स सिंथेसिस का इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल्काइल हैलाइड शुड बी 1 डिग्री, जैसे हमने ले लिया C2H5Br प्लस C2H5ONa इन द प्रेजेंस ऑफ डाइथर, बताओ विलियमसन सिंथेसिस होगा कि नहीं होगा, ये भी तो 1 डिग्री होता है, ये सब तो पता है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसा ही तो होगा, ये CH3CH2Br 1 डिग्री तो हुआ, तो हो जाएगा, यहाँ से ओ सी टू एच फाइव अंदर आएगा तो क्या बन जाएगा C2H5OC2H5, कैसे हो और क्या निकलेगा NaBr, इथाइल इथाइल, तो आप बोलोगे डाई इथाइल ईथर, IUPAC नेम एल्कॉक्सी एल्केन, अब यहाँ दोनों एक बराबर हैं तो ठीक है इथॉक्सी इथेन लिख दो, यहाँ किसको एल्कॉक्सी किसको एल्केन, दोनों बराबर इथॉक्सी इथेन, दिस शुड बी 1 डिग्री, जैसे इसमें एक बढ़िया सवाल बन सकता है, लेट अस से ए प्लस बी इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर गिव्स अस CH3 CCH3 CH3 OCH3, मान लो हमें ये मिला, हमसे कहा व्हाट आर ए एंड बी, प्रोबेबल ए और बी क्या हो सकते हैं, चलो ट्राई करो, व्हाट आर प्रोबेबल ए एंड बी, वॉट आर प्रोबेबल ए एंड बी, और यहाँ निकला हुआ है NaBr, चलो ये भी बता दिया, वॉट आर प्रोबेबल ए एंड बी, सोचो प्रोबेबली ए और बी क्या होंगे, बताएं, ट्राई करो, हिंट क्या है अपने पास कि जो एल्काइल हैलाइड है वो 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, तो जो भी एल्काइल ए को मान लेते हैं, चलो एल्काइल हैलाइड है, अब बी को मान लेते हैं हम, क्या है अपना सोडियम एल्कोक्साइड है, अब बताओ दोनों का क्या क्या स्ट्रक्चर होगा,
अब ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करें, बन गया, हो गया, पॉज करके ट्राई करें, सोचो। हाँ चलो, तो एल्काइल हैलाइड शुड बी 1 डिग्री। क्या हम ये एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं? CH3 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 Cl, और इसके साथ ले लें CH3 O Na। सिंपल रिएक्शन लिखें तो ये बन जाना चाहिए भाई। क्या होगा, यहाँ से ये आएगा, यहाँ से Cl हट जाएगा, OCH3 आके जुड़ जाएगा, बन जाएगा, बट ये अलाउड नहीं है ना, तो 3 डिग्री हो गया, तो दिस कैन नॉट बी आंसर। अब एक ऑप्शन ऐसा भी होगा कि एल्काइल हैलाइड ये है, मतलब चार ऑप्शन दिए होंगे कि ये से बन जाएगा, ये से बन जाएगा, ये, तो इससे नहीं बनेगा। एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री हो गया, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। एल्काइल हैलाइड को तो 1 डिग्री रख लेते हैं, CH3 Cl। अब सोडियम एल्कोऑक्साइड को 3 डिग्री कर लेते हैं, CH3 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 O Na। अब बोलो सही है, सब सही है, मस्त एकदम, प्लस माइनस बना दिया। प्लस माइनस मैकेनिज्म में तो अटैक होता है पीछे से पूरा, SN2 मैकेनिज्म, ये आके जुड़ जाए, अब देखो सही है। सो दिस विल बी एल्काइल हैलाइड, दिस विल बी सोडियम एल्कोऑक्साइड, एल्काइल हैलाइड शुड बी 1 डिग्री, ये बात आपको याद रखनी है। चले आगे बढ़ें, दिस वॉज सब्स्टिट्यूशन बाई OR ग्रुप। क्या लेते हैं? सोडियम एल्कोऑक्साइड, नाम क्या है? विलियमसन सिंथेसिस। इसको आप सेपरेट करके उसके कॉपी में लिख लेना जो आप नेम रिएक्शन वाली कॉपी बना चुके हो। ये क्या है सर, मैं तो पहली बार चैनल पे आया, चूहा भी नहीं खाया मैंने तो। चलिए आगे बढ़े, मैंने आपसे कहा था एक नेम रिएक्शन की अलग से कॉपी बना लें और उसमें सारी बातें लिखें। आज इस टॉपिक खत्म करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। चलिए अगले पर चलते हैं, थर्ड सब्स्टिट्यूशन बाई प्रिंग OR ग्रुप भी हो गया, ये भी हो गया, सब्स्टिट्यूशन बाई साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप क्या बनेगा साइनाइड ग्रुप से, आओ देखते हैं। RX, इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे CN-, ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, टेंशन मत लो, SN2 ये भी करेगा, बनेगा RCN। RCN को हम बोल सकते हैं अल्काइल साइनाइड। नोट करते जाओ, IUPAC नेम लिखोगे तो हो जाएगा एल्केन नाइट्राइल, SCN को हम बोलते हैं नाइट्राइल। तो क्या बनने वाला है? फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल। और याद रखना ये वाला रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में बहुत यूज करेंगे, थोड़ा अभी ऑर्गेनिक और पढ़ लो। ये RCN ना बड़ा मस्त कंपाउंड है, इससे बहुत कुछ बन सकता है। एक बार RCN बन गया ना तो बहुत कुछ बन सकता है, अमीन बन सकता है, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, यहाँ से एल्डिहाइड बन सकता है। ये बड़ा कमाल का कंपाउंड है, RCN, RMGX, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो ये साइनाइड बनाने का तरीका है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस। एक दिन आएगा ये दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर मैं आपसे पूछूंगा RCN का क्या काम है, आपको याद होना चाहिए उस दिन, ठीक है? कैसे होगा रिएक्शन, क्या होगा? आप लोगे RX और ले लोगे KCN एल्कोहलिक, ठीक है, KCN एल्कोहलिक। क्या होगा? X माइनस निकल जाएगा, CN अंदर आ जाएगा, RCN और क्या निकलेगा? KX। KCN की जगह NaCN भी इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है, C2H5Br प्लस KCN एल्कोहलिक। क्या बनेगा? C2H5CN प्लस KBr। और इंपॉर्टेंस देखो इस रिएक्शन का, यह भी है कि ये नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा सकता है, असेंट ऑफ चेन में भी इस्तेमाल करेंगे। सब पढ़ते पढ़ते आपको सारी चीज़ें रखनी पड़ेगी अपने पास, वरना आप सीधा सीधा किताब से रिएक्शन रट ही लो, मेरी क्या ज़रूरत है, यही सब बताना था हमें। असेंट ऑफ चेन मतलब मान लो कहीं क्वेश्चन आ गया कि भैया आप मिथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड बनाओ, तो कैसे करोगे? इससे भी कर सकते हो, और भी रिएक्शन पहले ही बताए हैं, भी कन्वर्जन के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे उसमें, बट याद रखना असेंट ऑफ चेन का बड़ा मस्त रिएक्शन है। KCN से रिएक्ट किया, एक कार्बन एक्स्ट्रा मिल गया ना, अब कुछ ऐसा करके इसको हम रिड्यूस करके अमीन बना के अल्कोहल बनाएंगे वो अलग बात है, पर एक कार्बन बढ़ाने वाला काम इसने किया। जैसे मान लो हमने ले लिया C2H5I आइडोमिथेन, रिएक्शन करा दिया NaCN से इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल,
ठीक है, मान लो अल्कोहल लिख ही दें इस बार उठा के, ऊपर लिख दिया C2H5OH अल्कोहल के प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा C2H5C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा होता है साइनाइड, C2H5C ट्रिपल बॉन्ड N, और क्या बना NaI, ऐसी बना के दिखा दिया कैसा होता है। ये क्या बन जाएगा इथेन नाइट्राइल, इथाइल साइनाइड भी बोल सकते हो इसको, इथाइल साइनाइड, ये भी वही है इथेन नाइट्राइल या इथाइल साइनाइड। कोई पूछे मैकेनिज्म क्या है, तो CN- इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो भैया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो कौन सा रिएक्शन देगा SN2, इंतजार नहीं करेगा कार्बोकेटायन बनने का, SN2 देगा तो अटैक फ्रॉम रियर साइड होगा, अटैक फ्रॉम रियर साइड होगा, और SN2 कौन देना चाहता है 1 डिग्री के अल्काइल हैलाइड, यानी यहाँ पे भी अल्काइल हैलाइड शुड बी 1 डिग्री। नोट कर लिया, बड़ा कमाल का रिएक्शन है, एक कार्बन भी बढ़ा रहा है और बहुत से कन्वर्जन और भी इसमें आपको यूज़ करने हैं RCN से। आगे जैसे जैसे केमिस्ट्री बढ़ेगी, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन देखोगे तो वहाँ पे एक मेथड इससे होगा, जैसे जैसे केमिस्ट्री बढ़ेगी इससे बहुत, अमीन की प्रिपरेशन देखोगे वहाँ होगा, ठीक है। नोट कर लिया, NaCN ले सकते हैं या KCN ले सकते हैं, दोनों ही केस में क्या होगा ये आयनिक बॉन्ड बनेगा कार्बन और पोटेशियम के बीच, मेटल नॉन मेटल आयनिक कंपाउंड, मस्त इसको पुश करेगा चला जाएगा, बढ़िया पोलर एकदम मस्त पोलर आयनिक। अब देखो इसी में एक बढ़िया सा एक रिएक्शन हम मस्त सा ले लेते हैं, मिटा रहे हैं इसको, अच्छा इसी में एक मस्त सी बात आपको हम बताते हैं, थोड़ी देर में उसका मैकेनिज्म वगैरह थोड़ा समझाएंगे। सब्स्टिट्यूशन बाई NC ग्रुप, CN था अब NC कर दिया, NC से बनेगा अल्काइल आइजोसाइनाइड या एल्केन आइजोनाइट्राइल, है ना, ये जो साइनाइड वाला जो अपना ये न्यूक्लियोफाइल है ये एम्बिडेंट होता है, एम्बिडेंट मतलब जिसके दोनों हाथ से काम हो सके, ना 3 इडियट्स में आपने देखा होगा ना, उसमें क्या नाम था वायरस नाम था ना टीचर का, तो जो उसका टीचर था वो दोनों हाथ से लिख सकता है, ठीक है, तो इसको एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं ऐसे लोग को जो दोनों तरफ से, तो साइनाइड ऐसा एक लिगेंड है, लिगेंड तो अभी नहीं आपने पढ़ा, ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, सी की तरफ से भी और एन की तरफ से भी, जब एन की तरफ से अटैक करेगा तो आइजोसाइनाइड, सी की तरफ से तो साइनाइड, RX अटैक फ्रॉम NC, देखो NC का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, NC N डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C, नाइट्रोजन को इधर से जाके अटैक भी मारना है, लोन पेयर, ये यहाँ से किसी से जुड़ा होगा, X माइनस बाहर निकलेगा बनेगा RN ट्रिपल बॉन्ड C, ये नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए ना, 4 ज़्यादा बना नहीं सकता और 4 पे प्लस लग जाता है, कार्बन के 4 होते हैं पर 3 ही बने हैं तो माइनस, जब भी नंबर ऑफ बॉन्ड कम बने तो माइनस आता है और यूजुअल से नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा बने तो प्लस आता है, जैसे ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड पे प्लस लगाएंगे और 1 बॉन्ड पे माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 2 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है 4 बनाया तो प्लस, कार्बन की 4 होती है 3 बनाया तो माइनस, जब कम हो जाए बॉन्ड तो माइनस, ज़्यादा हो जाए तो प्लस, है ना। लुइस डॉट स्ट्रक्चर फिजिक्स वाला ये वीडियो में आप ये सब देख सकते हैं कैसे होता है, जरा रिएजेंट ध्यान से देखो, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, RX प्लस AgCN, अगर AgCN हमने इस्तेमाल किया तो बनेगा RNC प्लस AgX, C2H5Br प्लस AgCN विल गिव C2H5NC। हाँ अब ये वाला रिएक्शन कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होता क्योंकि एक कार्बन बढ़ा तो पर उस तरफ बीच में नाइट्रोजन आ गया, इसको असेंट ऑफ चेन मत बोलना, चेन में कहाँ आया कार्बन, चेन से बाहर चला गया ना, इसको आप क्या बोल सकते हो इथेन आइजोनाइट्राइल, है ना, वो कार्बन चेन में काउंट ही नहीं हुआ तो इसको असेंट ऑफ चेन नहीं बोलेंगे, और क्या निकलेगा AgBr। मैकेनिज्म कोई बोले सेम कहानी सारी, SN2 रिएक्शन हो रहा है, 1 डिग्री लेना है क्योंकि CN- या NC- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अभी भी है,
नोट करें। अब मुझे पता है आपके दिमाग में क्या है कि सर KCN से वो क्यों बना और इससे ये क्यों बना, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, बड़ा फेमस है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम। नोट कर लिया, पॉज करके छाप लें पहले इसको। हाय हाय रे हाय ये लड़की, हाय हाय रे हाय करती नादानियां, तुम देखो ये हाय, कभी ये हमसे लड़ती है कभी झगड़ती है, करो दूर से छेड़खानी। नहीं भैया, छेड़खानी नहीं करना है, जेल जाना है क्या आपको? आई एम सो सॉरी। हाँ वापस आते हैं, तो मैंने आपको क्या बोला, जैसे मान लो हमने लिया C2H5Br। डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी टेक KCN और NaCN, वी सी दैट अल्काइल साइनाइड इज फॉर्म्ड, बट इन द केस ऑफ AgCN, वी सी अल्काइल आइसोसाइनाइड इज फॉर्म्ड। नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग? सी, इन केस ऑफ KCN और NaCN, पोटेशियम कार्बन और, यार एक ही पे समझा दे, एक में समझ लो सब समझ लो, पोटेशियम कार्बन बॉन्ड इज आयोनिक, ये आयोनिक बॉन्ड है, मेटल नॉन मेटल, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड KCN बॉन्ड इज आयोनिक। अरे 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 बता रहा है, ठीक है बहुत हुआ मिटा रहा, समझ गया हम। हाँ तो ये बॉन्ड यहाँ से, बॉन्ड तो होगा ही नहीं, आयनिक बॉन्ड तो ऐसे ही इमेजिन, ऐसा कुछ लाइन ड्रॉ भी नहीं की जाती, वो तो दिखा रहे, असल में तो चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। खैर यहाँ K प्लस और C माइनस, तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आया, दैट मीन्स अटैक अकर्स फ्रॉम C माइनस साइड, यानी कार्बन साइड ऑफ साइनाइड ग्रुप। कार्बन साइड से अटैक होगा, यार यहां से क्या निकलेगा, Br, और कार्बन साइड से अटैक होके ये बन जाएगा, बोले सही, अटैक कार्बन कर रहा है तो जाके इससे कार्बन चिपकेगा, है ना। यहां से देखो ये टूटा माइनस प्लस, तो ये सब बना दिया टूटा उटा, आपको तो हम समझा चुके हैं सारे मैकेनिज्म ऐसे होते नहीं है, है ना, स्कूल में भी टीचर ऐसे माइनस प्लस कर देता है। तो क्या हुआ कि भाई साहब जो अटैक कर रहा है वो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है मस्त, के प्लस सी माइनस, और सी माइनस आकर अटैक कर रहा है, आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, फेयर इनफ, बात समझ। NaCN में भी सेम केस, आयनिक बॉन्ड। AgCN में क्या गड़बड़ी हुई? AgCN भी तो सर मेटेलिक है, बिल्कुल है। AgCN के केस में आप कहोगे ये मेटल ये नॉन मेटल, पर यार बॉन्ड इसका ना ज्यादा कोवेलेंट होता है। देखो दुनिया का कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट नहीं है, ये बात 11th में हमने आपको बताई थी सर, 11th में आपने पूरी दुनिया पढ़ा दिया मैं। कोई भी बॉन्ड ना ही 100% आयनिक ना ही 100% कोवेलेंट। इस बॉन्ड को देखा गया तो दिस बॉन्ड इज प्रीडोमिनेटली आयोनिक, मतलब ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर है। और जब Ag कार्बन का बॉन्ड आपने देखा है, यहाँ भी Ag साइनाइड, ठीक है, ऐसा नहीं कि Ag साइनाइड नहीं, Ag साइनाइड ही है, ये सिल्वर साइनाइड, आइसोसाइनाइड नहीं था ये पहले से, ऐसा नहीं है कि ये KCN ये AgNCN, ना ना है वही चीज़, है दोनों वही चीज़। अब सुनो, है ये सिल्वर साइनाइड, ये पोटेशियम साइनाइड, यहाँ तक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। अब ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज प्रीडोमिनेटली, हिंदी में मतलब ज्यादा कोवेलेंट, यहां ये बॉन्ड प्रीडोमिनेटली आयनिक था, यहां कोवेलेंट। कहोगे सर मेटल नॉन मेटल तो ऐसा क्यों, बताया ना दुनिया कोई बॉन्ड आयनिक और कोवेलेंट नहीं होता, तो सर इसमें ऐसा क्यों, आप समझाते हैं। अगर आपको याद हो आपने एक नियम पढ़ा था, फजान के नियम, फजान्स रूल, है ना, फजान्स रूल, फजान्स के नियम, फजान्स के नियम, आई एम सो सॉरी इतने गंदे से इनका नाम, फजान्स के नियम में आपने देखा था कि कोई भी चीज़ के अंदर, किसी भी बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कब आता है, जब उसका कैटायन स्मॉल हो या उसका एनायन लार्ज हो,
ये तो सबको याद होगा, जितना छोटा कैटायन जितना बड़ा एनायन उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है सर। पर यार पोटेशियम और सिल्वर के आयन की साइज करीब करीब सेम होती है, पोटेशियम सोडियम की तो करीब करीब सेम होगी, जस्ट एक के नीचे एक लगे हैं, और सिल्वर के साथ भी उनकी साइज करीब करीब सेम निकली जब एटॉमिक रेडियस देखा गया, Ag प्लस और के प्लस की साइज सेम, यानी यार कैटायन तो दोनों के बराबर है, अगर ये कोवेलेंट है तो ये भी कोवेलेंट, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि फजांस रूल ने बोला था कि कोई भी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा जितना छोटा कैटायन जितना बड़ा एनायन, और एक बात और बोली थी और मैंने बताई थी शायद आप भूल गए हो, जिसमें सीडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो, सीडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन ऑफ कैटायन हो, अगर आपको सीडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन ऑफ कैटायन मिल जाए उस केस में भी किसी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। बोलोगे ये क्या चीज़ है, समझाते हैं। सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं, Ag का एटॉमिक नंबर 47, कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 के बाद 4s भरता है पर हम 3d लिख दे रहे हैं, 3d10, 4s2, यहाँ तक हो गए 30 इलेक्ट्रॉन, 30 के बाद आगे पढ़े 4p6, 36, 4p6 और अब 5s भरना चाहिए n प्लस l रूल के हिसाब से, 5s2 कितना हुआ 30, 36, 38 और 4d9, ये एक्सपेक्टेड था बट आपको पता है ये कन्फिग्रेशन नहीं होगी, ट्वेल्थ में हो इतनी बात जानते होगे कि आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के यहाँ डाल दोगे, फुल्ली फिल्ड आर मोर स्टेबल, हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल, है ना, अभी देख रहे हो ये फुल्ली फिल्ड हो सकती है एक इलेक्ट्रॉन आर, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 5s1 4d10, है ना, आप जनरल कन्फिग्रेशन करोगे तो भाई 4p के बाद 5s भरता है वैसे तो ये देखो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 10, 28, 37, बट ऐसा होगा नहीं, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कॉपर वगैरह में भी की थी, क्या होता था कि s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता था, s हो गई हाफ फील्ड, ये हो गई फुल फील्ड, दिस इज मोर स्टेबल, यहाँ तक बात तो क्लियर है, आप सुनो अगर इस कन्फिग्रेशन को ढंग से लिखा जाए तो 5s1 बाद में लिखा जाता है, भरता पहले है लिखा बाद में जाता है, कितना धीमे धीमे बता रहे, सब बहुत बेसिक चीजें इलेवेंथ की, भरता 5s1 पहले है लिखा बाद में जाता है, होना चाहिए था 5s2 4d9, पहले 5s भरता है तब 4d, तो 5s में दो इलेक्ट्रॉन और 4d में 9, बट वो स्टेबल नहीं था तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करा दिया, ये फुल फिल ये हाफ फिल। अब सुनो, अब ये जो कन्फिग्रेशन है यहां तक ये सीडो नोबल गैस की कन्फिग्रेशन है, भाई फुल्ली फिल्ड है कि नहीं, तो इसको हम बोलते हैं सीडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ये कुछ करना नहीं चाहता भाई, Ag प्लस की बात हो रही है ना भाई, Ag प्लस मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सो फाइनली यू विल गेट द सेम 1s2 2s2 ला 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 4p6 4d10, ये आपको मिलेगा, एंड दिस इज सीडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन, नोबल गैस जैसी कन्फिग्रेशन, कंप्लीटली फिल्ड है, और जो नोबल गैस जैसी कन्फिग्रेशन बनेगी तो सुनो होगा क्या, ध्यान सुनो, मतलब हुआ क्या कि कैसे क्यों कोवेलेंट हुआ पूरा बताते हैं, ये जो अपना डी सबशेल होता है, ये डी सबशेल का खास बात ये होता है कि इट हैज़ अ वेरी वीक शील्डिंग इफेक्ट, है ना, पूरी कहानी बताते हैं, डी हैज़ वेरी, एग्जाम में इतना नहीं लिखना, एग्जाम में अगर पूछ लिया ऐसा क्यों तो बोलना है AgCN में AgC बॉन्ड इज प्रीडोमिनेंट कोवेलेंट और यहाँ पे ये बॉन्ड इज प्रीडोमिनेंट आयनिक, कोवेलेंट होने से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा भाई, कोवेलेंट बॉन्ड इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होता, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो यहाँ से नाइट्रोजन का लोन पेयर जाके अटैक करेगा, यानी इस केस में क्या होगा, अटैक अकर्स फ्रॉम नाइट्रोजन, फ्रॉम नाइट्रोजन ऑफ साइनाइड, ठीक है, एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिख के आ जाना, पूरी कहानी में बताना, अटैक्स अकर फ्रॉम नाइट्रो, अच्छी छी नाइट्रोजन ऑफ साइनाइड, एग्जाम में इतना लिख देना कि भाई ये कोवेलेंट है, कोवेलेंट है तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो अटैक नाइट्रोजन से हुआ तो नाइट्रोजन जाके इससे चिपकेगा तो देखो NC बना, यहाँ कार्बन जाके चिपका तो CN, यहाँ नाइट्रोजन की तरफ से अटैक इस तरफ से हो रहा और यहाँ अटैक यहाँ से,
यहां से अटैक हुआ तो एन चिपक गया। अब हम बता रहे हैं कोवेलेंट क्यों है, तो हमने बताया पजांस रूल ने कहा था कि जितना छोटा कैटायन जितना बड़ा एनायन, या कैटायन के पास अगर सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो वो पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें ज़्यादा होता है। अब हमने कहा कि भाई कैटायन की साइज़ के हिसाब से इन दोनों की साइज़ करीब करीब सेम होती है और एनायन तो दोनों का सेम है ही, दिख ही रहा है साइनाइड है। फिर हमने कहा सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, तो हमने देखा हाँ सिल्वर के कैटायन के पास सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इससे क्या होता है ये भी सवाल आएगा, तो डी हैज़ वेरी वेरी वीक शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट समझते हो, यानी बाहर के इलेक्ट्रॉन को बचाना, तो डी बाहर के इलेक्ट्रॉन को नहीं बचा पाता, एस बचा लेता है, पी भी बचा लेता है, डी नहीं बचा पाता, डी बड़ा बेकार है और एस तो सबसे खराब है। एस बहुत बढ़िया शील्ड करता है अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से, न्यूक्लियस को ऐसे शील्ड कर लेता है, सब मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के सामने शील्ड बन के खड़ा हो जाता है कि तुम तक जाने नहीं देंगे, कौन एस, पी भी खड़ा हो जाता है, डी नहीं हो पाता, एफ नहीं, शेप के ऊपर होता है, ठीक है, ये सब शेप के ऊपर ऑर्बिटल के। तो ऐसा ऑर्बिटल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के तो है, तुम रुको हमें ना, हम तुमको बचाएं, तुम जाओ घूमो, बन गया आयनिक कंपाउंड, जाओ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे हम बन गया बढ़िया मेटल, जाओ इलेक्ट्रॉन जाओ तुम घूमो, कौन करता है एस, है ना, ऐसे ऐसे शील्ड की तरह खड़ा हो जाता है, क्या तुम्हें घूमना, जाओ जाओ बाहर इलेक्ट्रॉन से, पी भी कहता चलो जाओ। डी वाला यार बड़ा कमजोर था, इसे बाहर इलेक्ट्रॉन कहता हम जाए, कहता रहे भैया तुम तो चिपके रहो न्यूक्लियस से, यानी डी वाला जो होता है इट इज अ वेरी वीक शील्डिंग इफेक्ट एंड दस 5s1 एंड दस यहां अभी ये लिखते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड टू न्यूक्लियस। क्या इतनी नीचे बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, पूरी कहानी समझो, हमने कहा सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिखाई, फिर हमने बोला कि जो डी वाले होते हैं बड़े ही खराब होते हैं, खराब होते हैं मतलब बाहर वाले को बचा ही नहीं पाते हैं, है ना, इनका शेप इतना खराब होता है कि शील्ड नहीं बन पाते हैं, शील्ड नहीं बन पाते तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन कहता है हम जाएं, कहता है ना भैया हम नहीं बचा पाएंगे, न्यूक्लियस पकड़ के बाहर वाले को भी रखता है। जब न्यूक्लियस पकड़ के बाहर वाले को रखेगा तो असल में ये 5s1 निकल ही नहीं पाएगा। डी हैज अ वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, वीक को हटाते हैं पुअर, ये वर्ड यूज किया जाता है केमिस्ट्री में, डी हैज अ वेरी पुअर एंड एफ हैज द पुअरेस्ट वर्स्ट शील्डिंग इफेक्ट। तो डी के पास शील्ड करने की क्षमता नहीं है, बचा नहीं पाता बाहर के इलेक्ट्रॉन, बाहर के इलेक्ट्रॉन कहता है हम जाएं घूमने, कहता ना चिपके रहो, नहीं चिपका हुआ है, चिपका हुआ है तो बाहर नहीं निकला, बाहर नहीं निकला तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं होगा तो ये बॉन्ड आयनिक कैसे बनेगा। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल, यहाँ मेटल इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगा, वो कहेगा हम दे नहीं सकते शेयर कर लो, तो उसने कहा अच्छा चलो भाई ना तेरी ना मेरी शेयर कर लेते हैं, दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। बट इन शॉर्ट एग्जाम में आपसे पूछा तो आप सिंपल बोलोगे KCN में जो KC बॉन्ड है वो कैसा है, प्रीडोमिनेटली आयनिक है, आयनिक है तो अटैक अकर्स फ्रॉम C- साइड, ऐसे बना देना, और AgCN में जो बॉन्ड है ये प्रीडोमिनेटली कोवेलेंट है, कोवेलेंट है तो अटैक कहाँ से होता है, इस तरफ से नहीं हो सकता, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, अटैक अकर्स फ्रॉम लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन या अटैक अकर्स फ्रॉम नाइट्रोजन ऑफ CN, इसलिए N जाके जुड़ता है तो आइजो साइनाइड बनता है यहाँ साइनाइड बनता है। फिर मैंने बोला ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने बोला कि ये सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, बहुत हद से हद हो तो लिख देना बिकॉज Ag+ हैज सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एग्जाम में आपको बहुत मन कर रहा है लिख देना इट Ag+ हैज क्या सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ag+ कैटायन, ये मत समझाना कि अब इसके बाद क्या हुआ, हमने आपको पूरा समझाया कि सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या, वेरी वीक शील्डिंग इफेक्ट, वीक शील्डिंग इफेक्ट तो ऐसे वाले को कहता है कि नहीं भैया तुम मत जाओ शेयर कर लो इलेक्ट्रॉन, ये कहानी क्लियर हो गई, छाप लें, अभी ये चीज़ फिर से एक बार आएगी पर हम समझाएंगे नहीं अब अगली बार, अब आप समझ गए अंदर की इसकी पूरे मैकेनिज्म, क्लियर है मिटा रहे छाप लें, दिमाग में गई बातें, सर कितनी लंबी कहानी थी, छिछी 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 मिटा रहे, ओके। तो ये था सब्स्टिट्यूशन बाय CN एंड सब्स्टिट्यूशन बाय NC ग्रुप, साइनाइड एंड आइजो साइनाइड ग्रुप। अच्छा अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट चौथा कि पांचवा हो गया ना शायद, हाँ सब्स्टिट्यूशन बाय ON डबल बॉन्ड O नाइट्राइट ग्रुप। अब नाइट्राइट ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करोगे तो अल्काइल नाइट्राइट बनेगा, कैसे होगा, RX अटैक करेगा ON डबल बॉन्ड O- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है,
आर ओ एन डबल बॉन्ड ओ, एल्केन नाइट्राइल या अल्काइल नाइट्राइल जो बोलना हो, बोलो नाइट्राइट या अल्काइल नाइट्राइट। सी एन को बोलते हैं नाइट्राइल, सी एन इज नाइट्राइल, दिस इज नाइट्राइट। कैसे होगा ये रिएक्शन करा देंगे, जैसे मान लो आर एक्स का रिएक्शन करा दिया हमने के ओ एन डबल बॉन्ड ओ और एन ए ओ एन डबल बॉन्ड ओ, ये आपको ज़्यादा दिखेगा, ये नहीं दिखता। क्या बन जाएगा आर ओ एन डबल बॉन्ड ओ प्लस के एक्स, समझ गए। एग्जाम्पल सी टू एच फाइव बी आर प्लस के ओ एन डबल बॉन्ड ओ, क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा सी टू एच फाइव ओ एन डबल बॉन्ड ओ प्लस क्या निकलेगा के बी आर, इसको आप बोलोगे इथेन नाइट्राइट। पता ये के ओ एन ओ इतना जो मैंने इतने स्टाइल से लिखा है, इसको एग्जाम में क्या लिख के दे सकता है, पोटेशियम नाइट्राइट। ऐसा दिखता है नाइट्राइट ग्रुप, लिगेंड यहाँ पे लिगेंड न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को लिगेंड भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है वो हमारा कैसा है स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो रिएक्शन कौन सा होगा SN2, SN2 होगा तो कैसा होना चाहिए 1 डिग्री, अटैक रियर साइड से होगा, क्लियर है सारी बातें। KONO ऐसा KNO2, NaNO2 है ना, KNO2 नोट कर लें, के ओ एन ओ लिखा ऐसे जाता है, इसका स्ट्रक्चर ये है। नाइट्राइट ग्रुप है ये एनओ टू ही है, ये एनओ टू ग्रुप ही, एनओ टू ग्रुप तो पहचानते हैं आप, और नाइट्रो ग्रुप नहीं बना, नाइट्राइट ग्रुप बना ये, अभी समझाएंगे क्यों हुआ ये सब, नोट कर लें पॉज करके, कर लिया ओके। अब देखो नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप, चलो आ गया, सेम चीज है ये भी, देखो NO2 वो भी NO2, ये भी NO2, NO2 भी एम्बिडेंट है, NO2 भी एम्बिडेंट है, NO2 इज ऑल्सो एम्बिडेंट, अटैक कैन अकर फ्रॉम ओ एंड डबल बॉन्ड ओ फ्रॉम दिस साइड एंड अटैक कैन ऑल्सो अकर फ्रॉम दिस साइड, एनओ टू एनओ टू आइसोमेरिज्म बोल सकते हो, बिल्कुल 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 आइसोमेरिज्म आप बोल सकते हो, इसको बोलते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म, ठीक हो गया। अब ये ग्रुप कैसे अटैक करेगा, ये हो जाएगा नाइट्रो एल्केन, अब ये ग्रुप कैसे मिलेगा हमको, NO2 लिख लिया एम्बिडेंट, कैसे मिलेगा जरा ध्यान से देखो, RX का रिएक्शन अगर AgON डबल बॉन्ड O से कर दें, यानी AgNO2 से रिएक्शन अगर करें, तब आपको मिलेगा RNO ओ माइनस प्लस नाइट्रो एल्केन और निकल जाएगा ए जी एक्स, जरा एग्जाम्पल्स देखते हैं सी टू एच फाइव बी आर प्लस ए जी ओ एन डबल बॉन्ड ओ, लिया वही है क्या सिल्वर नाइट्राइट ही लिया है, अब इसको किताब में ऐसे भी लिखा होगा ए जी एन ओ टू, स्ट्रक्चर वही है चाहे सिल्वर नाइट्राइट हो चाहे पोटेशियम नाइट्राइट, जैसे सिल्वर साइनाइड पोटेशियम साइनाइड का स्ट्रक्चर सेम था, अटैक में डिफरेंस था, क्या बनेगा सी टू एच फाइव एन डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस प्लस, और क्या बनेगा ए जी बी आर, ये प्लस माइनस तो समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी कम है तो माइनस लगा दिया, नाइट्रोजन की एक वैलेंसी ज़्यादा है यूजुअल से तो प्लस, जब वैलेंसी यूजुअल से कोवैलेंसी से ज़्यादा हो तो प्लस, कम हो तो माइनस, नाइट्रोजन की तीन होती है चार है ज़्यादा है तो प्लस, ऑक्सीजन की दो होती है एक है तो माइनस, ये क्या बन गया नाइट्रोइथेन, ठीक है एग्जाम में सीधा सीधा ऐसे लिख सकता है सी टू एच फाइव सी एल प्लस ए जी एन ओ टू, क्या बनाओगे सी टू एच फाइव एन डबल बॉन्ड ओ माइनस प्लस,
नाइट्रोइथेन और क्या बन जाएगा AgCN। इसको अगर आप ऐसे लिख दोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, सही माना जाएगा, नोट करें। तो अब फिर वही कहानी आ गई कि सिल्वर के केस में अटैक देखो नाइट्रोजन से हुआ है, पोटेशियम केस में ऑक्सीजन से, नोट करें, छाप लिया, पॉज करके नोट करें, छाप लिया, ओके। तो फिर वही बातें आ गई क्या कि मान लो हमने लिया C2H5Br, दोनों SN2 दिखाते हैं उसकी टेंशन मत लेना, और यहां हमने ले लिया KNO2 और यहां ले लिया AgNO2। तो KNO2 के केस में क्या बन रहा है, C2H5ON डबल बॉन्ड O यानी नाइट्राइट बन रहा है, इथेन नाइट्राइट। और AgNO2 केस में क्या बन रहा है, C2H5N डबल बॉन्ड O माइनस प्लस, ये क्या है, नाइट्रो बन रहा है। तो सेम कहानी है क्या इन केस ऑफ KON डबल बॉन्ड O, स्ट्रक्चर तो यही रहेगा। इन केस ऑफ दिस, इस केस में दिस बॉन्ड इज प्रीडोमिनेटली आयोनिक, आयोनिक है तो ये ब्रेक होगा, प्लस माइनस, तो अटैक अकर्स फ्रॉम ओ माइनस ऑफ एनओ टू। और इस केस ऑफ ए जी ओ एन डबल बॉन्ड ओ, दिस बॉन्ड इज प्रीडोमिनेटली कोवेलेंट, कोवेलेंट है तो अटैक occurs from nitrogen of NO2 group। यहाँ से अटैक हुआ, देखो जाके नाइट्रोजन जुड़ा C2H5 से, और यहाँ ऑक्सीजन से अटैक हुआ तो ऑक्सीजन जाके जुड़ा, क्लियर है। ये कोवेलेंट क्यों है हम समझा ही चुके हैं पूरा, सीडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से KCN में C का अटैक, AgCN में N का अटैक, KONO में O का अटैक, AgONO में N का अटैक, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, कोवेलेंट, क्लियर। आगे बढ़ें, बहुत बढ़िया, चलिए लास्ट एक और ले लेते हैं फिर लेक्चर खत्म करते हैं। सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप, हमने यहां लिया RX और इसका रिएक्शन करा दिया अमोनिया से NH3, तो NH3 को मैं ऐसे लिखूंगा NH2, देखो NH3 कैसे लिखूंगा, ध्यान से, अमोनिया से रिएक्शन करा रहे, ठीक है, अमोनिया से, ध्यान से, तो हमने ऐसे लिखा H NH2, ऐसे लिख सकते हैं अमोनिया को, क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, टक 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 टक, ये माइनस ये प्लस, टक 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 टक, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस ये प्लस, बाहर निकला एच एक्स बना आर NH2, RNH2 यानी वन डिग्री अमीन, यानी यहां जो प्रोडक्ट है वो अमीन होता है, क्लियर। तो अगर NH2 ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करोगे तो हैलोजन निकल जाएगा, उसकी जगह अमीन आ जाएगा। दिक्कत क्या है, रिएक्शन यहां रुकता नहीं क्योंकि कंटेनर के अंदर इसका एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, भाई रिएक्शन है थोड़ी ना कि इसका एक मॉलिक्यूल RX का निकाल के अमोनिया में डाल दिया, सोचो, खुद सोचो, क्या रिएक्शन में आप इसका एक मॉलिक्यूल उठाकर अमोनिया में डालोगे, बिल्कुल नहीं, इसके बहुत ढेरों मॉलिक्यूल होंगे। तो पहले एक मॉलिक्यूल अमोनिया से रिएक्ट किया, HX निकला और RNH2 बन गया, फिर क्या हुआ, एक और RX इससे रिएक्ट किया, यहाँ से एक और हाइड्रोजन निकला, यहाँ से X निकला, माइनस HX बना RNHR, कैसा अमीन बन गया, टू डिग्री अमीन, जब नाइट्रोजन दो तरफ अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो तो टू डिग्री अमीन। फिर ये यहाँ भी नहीं रुका क्योंकि हमारे पास RX तो बटेरे हैं, एक और अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल आया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से हैलोजन माइनस HX बना RNRR,
3 डिग्री अमीन। तो आपको लग रहा होगा अब यहाँ कहानी रुक जाएगी, पर नहीं रुकेगी, फिर से रिएक्शन करेगा RX से, क्योंकि नाइट्रोजन के पास अभी लोन पेयर बचा है। RX का बॉन्ड ब्रेक ऐसे माइनस प्लस, ये लोन पेयर आके R प्लस पे अटैक करना चाहेगा और बना लेगा RN RR R, और इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या लग जाएगा, प्लस और X माइनस। अब X माइनस कहाँ जाए, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, नाइट्रोजन को फिर भी इलेक्ट्रॉन देने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो उसने दिया आर प्लस को। उसने कहा ठीक है ले लेते हैं इसके ऊपर प्लस माइनस। नाउ दिस इज़ अ सॉल्ट, ये सॉल्ट बन गया, इसको बोलते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, आयनिक कंपाउंड है, दिस इज एन आयनिक कंपाउंड। इसका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट बहुत हाई होगा क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। कई बार इसका क्वेश्चन देता है कि एसिटिक एसिड दे दिया, फॉर्मिक एसिड दे दिया, बेंजोइक एसिड दे दिया, साथ में है पूछा सबसे ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका। ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत अच्छा एसिड है तो उसका होगा, इसका उनसे ज़्यादा, क्योंकि ये सॉल्ट आयनिक कंपाउंड है, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसका एग्जाम्पल जैसे ये R4N+ और एक्स माइनस, जैसे मान लो C2H5O4N+Cl-, टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड, ब्रोमाइड भी हो सकता है। क्लियर है कैसे रिएक्शन हुआ, एक बार नोट करें फिर बताएं, बड़ा फेमस रिएक्शन है, नोट करें क्या है। RX में अमोनिया डाला NH3 कैसे बनाओगे, NH2 और H, क्या बाहर निकला HX, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनिक ज़्यादा माइनस प्लस, क्या बना RNH2, 1 डिग्री अमीन बन गया। फिर हमने कहा इसका एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, हज़ार मॉलिक्यूल होते हैं रिएक्शन में, इसका एक मॉलिक्यूल और आ गया रिएक्शन करने, क्यों, क्योंकि अभी इसके पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन ने फिर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा, एच प्लस निकला, यहाँ से एक्स माइनस ये प्लस, HX बाहर निकला, R प्लस जाके यहाँ जुड़ गया RNHR, ये 2 डिग्री अमीन। फिर ये RX से रिएक्शन करेगा, एक H निकला, X निकला, HX, RNRR, 3 डिग्री अमीन। फिर हमको लग रहा था अब H नहीं बचे, रिएक्शन नहीं होगा, पर होगा, इसके लोन पेयर की वजह से RX से रिएक्शन किया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस बन रहा है, नाइट्रोजन ने अटैक मार दिया इसके प्लस पे बिकॉज ऑफ इट्स लोन पेयर, अटैक तो मारा पर इसका प्लस चार्ज रहा और एक्स माइनस के पास जाने की कोई जगह नहीं, तो वो इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, बन गया सॉल्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो आयनिक कंपाउंड, डिसोसिएशन कांस्टेंट वेरी वेरी हाई। फिर हमने बोला इसको बोलते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, R4N+X, जैसे एक एग्जांपल दे दिया टेट्राइथाइल अमोनियम क्लोराइड, टेट्रा मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, कुछ भी हो सकता है, टेट्रा प्रोमाइल प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड, ये बड़ा फेमस रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं हॉफमैन अमोनो, तो इसको भी नेम रिएक्शन वाली कॉपी में। तो ये सारे रिएक्शन थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, एल्काइल हैलाइड के, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म। नेक्स्ट रिएक्शन आ रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, उसके बाद करेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो पढ़ाई करते रहें, आज के रिएक्शन खूब अच्छे से रिवाइज करें, ऑल द वेरी बेस्ट।